हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद, आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो पर्सनल बैंकिंग है या नेट बैंकिंग है, तो उसका जो अकाउंट है आप घर बैठे बैठे किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आपके पास पासबुक होनी चाहिए आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट की, क्योंकि उसमें दिया होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर और उसके साथ में नीचे या ऊपर की तरफ दिया होगा CIF नंबर, जो जरूरी है। और इसके साथ में आपका जो ब्रांच कोड है वो भी आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। और इसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर जो लिंक्ड होगा आपके अकाउंट के साथ, तो उसके ऊपर आएगा OTP। और OTP आने के बाद आपकी जो ID है टेम्पररी, वो भी उसके ऊपर आ जाएगी। तो इसके लिए आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी होना जरूरी है। और लास्ट चीज़ है यहाँ पे आपके ATM कार्ड। मैं मान लीजिए अभी आपका पुराने वाला है जिसमें एक्सपायरी डेट नहीं दी गई है, तो वहाँ पे आप जो नेक्स्ट 5 या 10 या 20 ईयर्स बाद की डेट भी डाल सकते हो उसमें। मान लीजिए अभी 5वां महीना चल रहा है, 2018 चल रहा है, तो आप उसमें 5वां महीना फिलअप कर दीजिए और लास्ट की जो डेट है उसमें 2028 या 2030 कुछ भी डाल दीजिए उसमें, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और साथ में आपको पिन होना जरूरी है पता, क्योंकि पिन भी वहां पे जरूरी है। और इसके साथ में आपको बता दूं कि जो ट्रांजैक्शन का जो अपग्रेड असेस लेवल है, स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पे आपने लिमिटेड करना है। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंट फुली क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो आपका असेस लेवल है उसको अपग्रेड करना है और उसको वहां पे फुल ट्रांजैक्शन लिमिट उसको कर देना है। उसके बाद आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सक्सेसफुली हो जाएंगी। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप इससे जो NEFT है, RTGS है, इंटरबैंक है या इंटरबैंक है, आपका वीजा कार्ड वगैरह कोई भी ट्रांसफर हो तो आपका बड़े आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जो है किसी ब्राउजर पे जाके चेक करोगे तो आप क्यों ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो NFRF है उसी में जाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ दोस्तों वीडियो यहाँ से। मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल मोबाइल, और आपके पास PC लैपटॉप हो सकता है तो उसमें सेम ही प्रोसीजर मिलेगा आपको, क्योंकि वेबसाइट जो है SBI की वो सेम ही रहेगी सब में। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास मोबाइल में मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र को, तो आपके पास ब्राउज़र हो सकते हैं, मेरे पास है क्रोम ब्राउज़र और MI का ब्राउज़र और तीसरा है ओपेरा ब्राउज़र। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यूज़ करूँगा क्रोम ब्राउज़र को। तो क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का लेआउट आ जाएगा आपके पास पेज पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और इसके साथ में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं राइट साइड में। तो 3 डॉट्स के ऊपर आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, न्यू टैब इस तरह से ऑप्शन आएंगे, बुकमार्क, रिसेंट टैब्स, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, जहाँ पे कर्सर लेफ्ट से राइट में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जो खाली दिख रहा है, इसके ऊपर आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक टिक का निशान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो मोबाइल है वो अभी जो भी पेज नया ओपन होगा वो डेस्कटॉप की तरह या PC की तरह ओपन होगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे आपने सर्च बार में सर्च करना है SBI पर्सनल बैंकिंग, लिख सकते हो यहाँ पे पर्सनल, इतना ही लिख दीजिए और सर्च कर दीजिए इसको। तो अभी जो आपके पास ओपन होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल बैंकिंग ऑनलाइन, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास नया पेज होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा लॉगिन, तो लॉगिन के ऊपर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद दोबारा से यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग ब्रांचेज अबाउट SBI फॉर्म्स, और यहाँ पे है कंटिन्यू लॉगिन, कंटिन्यू टू लॉगिन के ऊपर आपने ओके करना है। और ओके करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन रीसेट, और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा न्यू यूजर रजिस्टर हेयर। तो हम लोग नया अकाउंट जो है क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये इसके ऊपर ही ओके कर देना है। तो अभी हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पे, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, एक होता है CIF नंबर, और ब्रांच कोड में आपको जो आपके 5 डिजिट हैं आपको ये वही फिलअप करने हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपकी जो ब्रांच है उसमें 4 डिजिट का कोड है तो आप 0 जो है स्टार्टिंग में लगा सकते हो। और यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री, यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना है आपने, और उसके बाद यहाँ पे अगला है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल जो आपके बैंक के साथ लिंक है उसको यहाँ पर एंटर करना है आपने। और नीचे है फैसिलिटी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा फुल ट्रांजेक्शन राइट है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन व्यू राइट्स, तो यहाँ पे आपको जो लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट है उसके ऊपर ओके करना है। और यहाँ पे है ये कैप्चा एंटर द टेक्स्ट है शोन इन द इमेज, तो यहाँ पे 181C3 जो लिखा हुआ है
तो उसको आपने ओके करना है और यहाँ पे लिख देना उसको, उसके बाद सबमिट करना है। तो मैं फिलअप कर देता हूँ यहाँ पे अकाउंट नंबर से लेके सब कुछ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो अकाउंट नंबर था अकाउंट नंबर की जगह भर दिया है, उसके बाद CIF नंबर था वो भी मैंने फिलअप कर दिया। यहाँ पे ब्रांच कोड है, यहाँ पे तो मेरे को पता था 5 डिजिट दो थे ब्रांच कोड के। अगर आपके पास नहीं है तो गेट ब्रांच कोड यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपके पास आपकी जो स्टेट है वो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कौन सी ब्रांच है आपकी, उस तरह से आ जाएगा। और कंट्री में आपने सेलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया के बाद यहाँ पे आपके पास अपने आप ही आ जाएगा इंडिया सेलेक्ट करने के बाद 91 जो है यहाँ का कोड इंडिया का। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे जो रजिस्टर है आपके बैंक के साथ, उसको आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जगह। और यहाँ पे फैसिलिटी रिक्वायर्ड में लिमिटेड ट्रांजेक्शन राइट करना है आपने। और उसके बाद जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है वो 81C3 कैपिटल में है, तो कैपिटल में भरना है। उसके बाद जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, आपने उसके ऊपर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आएगा एंटर द वन टाइम पासवर्ड, जो OTP है आपके मोबाइल नंबर पर आ गया है कभी। तो मेरे पास OTP आ गया है और मैंने उसको एंटर कर दिया है यहाँ पर जो बॉक्स था, और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कंफर्म का, तो कंफर्म के ऊपर आपने ओके करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने के लिए मिल रहा होगा आपके पास ATM कार्ड होगा तो आप बिना ब्रांच की हेल्प के ही अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आई हैव माई ATM, उसके ऊपर ही ओके करके रखना है और सबमिट कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ये पेज ओपन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको शायद एक या कुछ डेढ़ इस रुपये हो तरह की सकता दिक्कत। है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है फिलअप करना है कार्ड नंबर, यहाँ पे ऑप्शन है वैलिड थ्रू एक्सपायरी डेट। अगर आपके पास एक्सपायरी डेट नहीं है तो आप कोई भी महीना सेलेक्ट कर सकते हो और आने वाली 10 या 15 साल बाद का कोई भी डेट डाल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास मान लीजिए 9, 10 का या 7, 8 का कोई भी ATM कार्ड हो तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे दिया हुआ है कार्ड होल्डर नेम, तो आपने यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम डाल देना है। उसके बाद आपका जो 4 डिजिट का ATM पिन है आपने उसको यहाँ एंटर करना है, और सबसे नीचे आपके पास दिया हुआ है कैप्चा GTA58, आपने इसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है कार्ड नंबर, और यहाँ पे जो मेरी एक्सपायरी डेट थी वो यहाँ फिलअप कर दी, यहाँ पे नाम लिख दिया, और ATM पिन का जो 4 डिजिट थे वो भी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। और यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चे में बात करूँ तो इसको जैसे आप लिखा हुआ यहाँ पे सेम वैसे ही लिखना है। GTA जो है कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में लिखना है, 58 जो है नमेरिक डिजिट है, कहीं भी आपने स्पेस नहीं देना है, तो इसको आपने प्रोसीड कर देना है। जैसे ही यहाँ पे नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पे 8787 8495 ये आपकी टेम्परेरी यूजर आईडी है। और इसके बाद आपने पासवर्ड में लिख देना है, मान लीजिए अपना नाम, उसके बाद स्टार लगा दीजिए उसमें, कोई स्पेस नहीं देना है। उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। और इसके बाद में आपने सबमिट पे ओके करना है। यहाँ पे सबमिट में ओके करने के बाद आपको अभी एक मैसेज आ जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे आपका काम जो है आधा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे ही आप अपना जो लॉगिन पासवर्ड है उसको एंटर कर देंगे और आपके पास जो आईडी है आपकी वो आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो उसके बाद दोबारा से आपने जाना है ब्राउजर पर। और क्रोम ब्राउजर में सेम वैसे ही प्रोसेस आपने दोहराना है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर ओके कर देना है और SBI यहाँ पे आपने एंटर करना है। SBI पर्सनल बैंकिंग लिख सकते हो, मेरे पास पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पर्सनल बैंकिंग के ऊपर ओके कर देते हैं और ये पेज डायरेक्टली खुल जाएगा। अभी लॉगिन यहाँ पे, लॉगिन के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन यहाँ पे, और लॉगिन के बाद अभी आपने यहाँ पे एंटर करना है आपका यूजर नेम, जो टेम्पररी यूजर नेम है आपका उसको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके नीचे की तरफ आपने जो लॉगिन पासवर्ड बनाया था अभी उसको यहाँ पे एंटर करना है आपने। तो मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम में जो मेरे को टेम्पररी यूजर नेम मिला था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, और साथ में जो पासवर्ड था लॉगिन वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अभी मैं इसके लॉगिन के ऊपर ओके करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी। जैसे मेरा दिन पड़े यू हैव लॉग्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइंडली एंटर ए यूजर नेम ऑफ योर चॉइस फॉर योर फ्यूचर यूज इन SBI नेट बैंकिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है अपनी मर्जी से। मान लीजिए मैंने किया सेलेक्ट यहाँ पे कोई भी नाम, और साथ में अब यहाँ पे चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे ओके करूँगा मैं। अगर ये अवेलेबल है तो ये यूजर नेम इज अवेलेबल आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस के ऊपर आपने ओके कर देना, इसको टिक कर देना है। और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऊपर ओके करना है। सबमिट के ऊपर ओके करने के बाद जो आपने लॉगिन पासवर्ड अभी एंटर किया था उसको दोबारा से आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नया लॉगिन पासवर्ड आपने क्रिएट करना है।
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू लॉगिन पासवर्ड, तो आपने जो लॉगिन पासवर्ड था वो यह आपको यहाँ पे सेम नहीं रखना है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी, और सेम वही लॉगिन पासवर्ड जो आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद इसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और आपके पास यहाँ ये बोलेगा एंटर प्रोफाइल पासवर्ड, तो आपको अभी यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा जो अलग होगा लॉगिन पासवर्ड से। तो उसमें जो फ़र्क है मैं आपको बता दूंगा कि इसमें एक ही फ़र्क रखना है आपको, जो यहाँ पे मैंने पिछले वाले जो पासवर्ड था उसमें स्टार यूज़ किया था, आपने यहाँ पे पासवर्ड सेम रखना है, लेकिन प्रोफाइल पासवर्ड में जो है जो साइन है वो चेंज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा आपके पास ऑप्शन एंटर प्रोफाइल पासवर्ड, और उसके बाद आपने प्रोफाइल पासवर्ड एक नया बनाना है, उसके बाद कंफर्म करना है उसको सेम। यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड जो होगा आपके लॉगिन पासवर्ड से अलग होगा। तो यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट, मैं हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे आंसर मैं क्रिकेट कर दिया यहाँ पे, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है, और प्लेस ऑफ बर्थ ये भी मैंडेटरी है, तो मैंने यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर दिया है। कंट्री यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर ओके करना है, तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर इनपुटेड यू डज नॉट, तो इसको कर देते हैं प्रोसीड फिलहाल। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली सेट तो हो गया, लेकिन यू कैन नाउ अपग्रेड टू ट्रांजेक्शन राइट फॉर योर अकाउंट, डू यू विश टू अवेल ट्रांजेक्शन राइट। तो यहाँ पे हमने जो लिमिटेड किए थे वो फुल ट्रांजेक्शन राइट में अगर आपने कन्वर्ट करना है अभी, नहीं तो आपको बाद में भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर उसको आपने सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर टिक करना है। असेस लेवल जो हमने शुरू में लिमिटेड किया था उसको फुल ट्रांजेक्शन राइट करना है, और यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन राइट आ गया है, और इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आएगा एक OTP आपके पास, OTP को आपने अभी एंटर करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है OTP, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे कन्फर्म, और कन्फर्म करने के बाद ये हो गया सक्सेसफुल, जो आपकी अपग्रेडेशन ऑफ राइट्स जो थी, अकाउंट सेलेक्टेड बाय यू हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड इट मेक टेक 1 आवर, तो मतलब ये जो है अपग्रेड के लिए 1 घंटा ले लगेगा ज़्यादा जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो मेरी, इसके बाद आप ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हो, और अगर आपको क्विक ट्रांसफ़र करना है तो क्विक ट्रांसफ़र के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी, बाकी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा माई अकाउंट में एंड प्रोफाइल पेमेंट ट्रांसफ़र बिल पेमेंट्स और फिक्स डिपॉजिट, अगर आप करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।